हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आकाश मिश्रा ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। आज हम लोग बनाने वाले हैं चाउमीन, और वो भी घर वाले स्टाइल में बनेगी। सारा सामान मैं लेके आ चुका हूँ, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो अब हम लोग चाउमीन बना रहे हैं। तो चाउमीन बनाने का जो पहले का जो स्टार्टअप है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कढ़ाई में पानी, इसमें नमक और ऑयल डाल देना है, ठीक है। और इसको वेट करेंगे जब तक ये बॉईल ना हो जाए। सो गाइस, मार्केट में दो टाइप की चाउमीन अवेलेबल होती हैं। एक तो वही वाली होती है जो एकदम गोल मोल सी होती है, और जो ये लंबी वाली होती है, इसको मैंने तोड़ दिया है सो दैट कि इजीली बॉयल हो जाए। और साथ में ये है नूडल मसाला। तो गाइस, हम लोगों ने ये नूडल्स डाल दिए हैं इसमें, लेकिन ये खौलते हुए पानी में डाला, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें। तब ये थोड़ा सा बॉईल होगा, फिर उसको हम तुरंत निकाल देंगे। सो गाइस, नूडल्स उबल चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक टेबल ले लिया है, उसके ऊपर ने पन्नी लगा दी है, उसे धुल के देन उसके ऊपर हमने बिछा दिया है। देन उसके बाद हमने उसको चाउमीन को उसके ऊपर फैला दिया सो दैट कि वो चिपकी चिपकी ना रहे, खुली खुली रहे। सो गाइस, आप लोग भी कोशिश करिएगा कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ हो जिसमें चाउमीन फैलाने में आसानी हो सो दैट वो एकदम से खुली खुली बने। गाइस, हम लोगों ने प्याज, गाजर और शिमला मिर्च काट ली है, साथ ही में हमने पत्ता गोभी भी काट लिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने डाला है रिफाइंड ऑयल, तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे प्याज। गाइस, जब तक ब्राउन ना हो जाए ना, तब तक हमें इसको ऐसे करते रहना है। गाजर थोड़ी बड़ी बड़ी थी, इसलिए हम लोग इसे थोड़ा और बारीक काट रहे हैं। अब हम डालेंगे गाजर। हम लोगों ने इसमें डाल दिया है पत्ता गोभी। सो गाइस, इसके अब हम लोग चाउमीन डाल रहे हैं। नमक मिर्च हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा डाल लिया था, बाद में फिर उसके ऊपर से डाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही डालें इस चाउमीन को खोल खोल के। अब हम एक बार इसको घुमा देंगे। तो हम लोग डालेंगे इसमें नूडल मसाला। बस बस बस, बहुत है। तो गाइस, हम लोगों ने थोड़ा सा डाला है नूडल मसाला। अब हम डालेंगे इसमें विनेगर। सो गाइस, इसमें हम डालेंगे अब विनेगर। डालेंगे इसमें हम काला सिरका। मैगी मसाला अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। अब हम डालेंगे चिली सॉस, डाल दिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा शेजवान सॉस,
अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च ये डाल दिया हमने, ये डाला हमने लाल मिर्च, साथ चाट मसाला भी पड़ेगा। Few inches later. So guys, चौमिन बन गई है, मम्मी को टेस्ट कराएंगे। आगे बताओ। कैसी बनी? अच्छी बनी। बढ़िया। टेस्ट सही आ रहा है? बहुत अच्छा टेस्ट। ठीक। क्या बात है सर? क्या बात है सर? So guys, हमारी चौमिन बन गई है, तो देखने में तो कुछ ऐसे बनी है। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो बढ़िया, आप लोग भी घर पे ऐसे ट्राई कर सकते हैं। बाहर का खाना अच्छा तो घर में ही ट्राई करके खाया जाए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ इसको फिनिश करने के बाद। A few inches later. So guys, चौमिन वगैरह तो खा लिया, लेकिन अच्छी बनी थी, ऐसी बात नहीं अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन वही है ना कि जैसे जो बाहर जो चौमिन वगैरह बनते हैं उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स वो लोग डालते हैं, तो टेस्ट बनाने के लिए वो लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि सेफर साइड के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग घर पे ही ट्राई करना। बाहर तो चलो खाते ही रहते हैं लोग, हम लोग भी खाते हैं, लेकिन एक घर में बनाया था तो काफ़ी अच्छा लगा। इंडिया है भाई, तो सबको थोड़ा चटपटा वगैरह तो पसंद ही है, तो गाइस आप लोग भी घर पे ऐसे ट्राई कर सकते हैं। गाइस यार गर्मी कितनी हो गई है यार, मतलब शिवरात्रि की बात तो खैर मौसम चेंज हो ही जाता है, अब तो होली आने वाली है, तो अभी मौसम एकदम गर्मी वाला हो गया सर, अब तो बहुत ही तेज गर्मी है। सो गाइस जा रहा हूँ मैं गेहूँ पिसवाने, क्योंकि मम्मी कह रही है अगर गेहूँ नहीं पिसेंगे ना तो रोटी नहीं मिलेगी तो इसलिए जा रहा हूँ मैं गेहूँ पिसवाने। सो गाइस ये रहे गेहूँ, इसको पिसवाने चलते हैं। A few inches later. So guys हम लोग पहुँच गए हैं गेहूँ पिसवाने। गाइस गेहूँ पिस गए हैं, अब मैं आया हूँ बर्गर लेने के लिए, थोड़ा बर्गर वर्गर मारेंगे। A few inches later. मैंने बर्गर खा लिया है, करते हैं ऑफिस का काम, तो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपसे। One eternity later. So guys खाना पीना हो चुका है और अभी बज रहे हैं 9:30। जस्ट मैं अभी सामने पार्क में आया था खाना पीना करने के बाद, कल सुबह मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, पड़ोस में एक अंकल है उनके साथ जाना है, हाँ तो मैं कल मैं निकलूंगा अंकल के साथ। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और हाँ चौमिन कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में,